धन संपत्ति रिश्तों में दरार पैदा कर देती है, यह तो सुना था, लेकिन यहाँ तो गांव की पैदल दूरी भी अपनों को अपनों से दूर कर रही है। इसकी वानगी है उत्तराखंड सीमांत उत्तरकाशी जिले का 35 परिवारों वाला उलन बजियाड़ा गांव। इस गांव के 58 वर्षीय हुकुम सिंह राणा का बेटा प्रदीप इसलिए उनसे मिलने गाँव नहीं आना चाहता क्योंकि वह 7 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई नहीं नाप सकता। चंडीगढ़ के एक होटल में नौकरी कर रहे प्रदीप ने उसके पिता गाँव आने के लिए कहते हैं तो उसका जवाब होता है मैं उत्तरकाशी आ जाता हूँ, वहीं मिलने आ जाओ। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 45 किलोमीटर दूर स्थित उलन जिले का ऐसा गांव है जहाँ युवा अब गिनती के रह गए हैं। उसी गांव की 20 वर्षीय नीलम का भाई राजेंद्र पुणे में नौकरी करता है। वह 4 साल से गांव नहीं लौटा, बीच में एक बार गाँव का रुकिया भी तो धरासू बैंड के पास ही परिजनों से मिलकर वापस लौट गया। बको नीलम, हम जब भी भाई से गांव आने को कहते हैं तो उसका जवाब होता है तुम सब गांव छोड़कर पुणे आ जाओ। 20वीं सदी के अंतिम दशक में उलन के प्रधान रहे 80 वर्षीय शेर सिंह राणा कहते हैं जिसने एक बार शहर की राह चुन ली वह गांव लौटने को तैयार नहीं है। गांव में अब सिर्फ 2 युवक रह गए हैं और वह भी मजबूरी बस। गाँव की सबसे बुजुर्ग महिला 88 वर्षीय फुलेश्वरी देवी कहती हैं मैं घर में अकेले रहती हूँ, आंखें भी जवाब दे चुकी हैं। बेटा अपने परिवार के साथ 26 किलोमीटर दूर चिन्यासी लौड़ में रहता है। एक दो बार मुझे लेने गांव आया लेकिन मुझे शहर पसंद नहीं है, इसलिए अपने गांव में ही अपने अंतिम दिन अकेले काट रही हूँ, लेकिन इतना तय है कि हमारे बाद यह गाँव भूतहा हो जाएगा।